हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सबका गेट अब ओवर हो चुका है और आप लोग देख रहे हैं आने वाली मोर अपॉर्चुनिटीज़ को। तो गाइज, आप सबको मैं बता दूं कि अब गेट चाहे आपका जैसा भी हुआ हो, आप लोगों को अपने लिए ऑप्शंस बना के रखने हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसमें अप्लाई करते रहना है, आपको सिलेक्शन ले लेना है। देखो, ज्वाइन अगर आप बाद में नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास ऑप्शंस हमेशा ज़रूर होने चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप लोग डेफिनेटली अगर उन नोटिफिकेशंस में अप्लाई करते रहेंगे तो आपके लिए ऑप्शंस भी बनते चले जाएंगे। तो गाइज, आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद यूनिट के अंदर यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। अगर आप देखोगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 32 ईयर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 16 वैकेंसी आपको यहाँ दिख रही है, जिसमें ये जो पूरा प्रोजेक्ट इंजीनियर है, ये प्रोजेक्ट जो है 4 साल तक चलने वाला है। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 की सैलरी मिलेगी पर मंथ। सेकेंड ईयर में जब आप इस प्रोजेक्ट में रहेंगे तो आपको 45,000 की सैलरी मिलेगी। थर्ड ईयर में आपको 50,000 की सैलरी मिलेगी और फोर्थ ईयर में आपको 55,000 की सैलरी मिलेगी। तो सर, क्या ये परमानेंट जॉब नहीं है? नहीं, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है जिसमें 4 साल तक का आपको ये अमाउंट मिलेगा। तो सर, क्या हमें इसमें ज्वाइन करना चाहिए? देखो, आप अगर इसमें ज्वाइन करके पैरेलली किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट पे काम भी करते रहो और पैरेलली आप अपने जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसकी भी तैयारी करते रहो। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 4 साल तक सैलरी भी मिल रही है और डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहेगा तब तक आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। इसमें मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है। ऐसे ही ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए देखोगे तो इसमें 1 ईयर का ही ओनली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो 1 ईयर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी होगी, कहीं ना कहीं जॉब करी होगी, तो डेफिनेटली इतना आपके पास होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी है। 3 साल का प्रोजेक्ट रहेगा ये वाला और इसमें 30,000 फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा पर मंथ, 35,000 आपको मिलेगा सेकेंड ईयर में पर मंथ और थर्ड ईयर में 40,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट भी है। ये सैलरी आपको मिल रही है, इसके अलावा आपको अलाउंसेज भी मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 10% आपको अलाउंसेज मिलेंगे और बाकी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम और ये सब अलाउंसेज मिला के 12,000 आपको अलग से मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी यहाँ पे ये ट्रेनी इंजीनियर है, इसमें भी आपको अलाउंसेज मिलेंगे। अब सर, इसमें अपर एज लिमिट है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्रेनी इंजीनियर में 28 ईयर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर में 32 होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो ट्रेनी इंजीनियर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बीए और बीटेक होना चाहिए और वो कहां से? आपका AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए मैकेनिकल में। सेम अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर में भी जाते हो तो उसमें भी आपकी बीई बीटेक इन्होंने मांगा है। अगर आप सब्जेक्ट की बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सारी ब्रांच लिखी हुई है। इसमें भी अगर आपने किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो। मैकेनिकल में भी अगर मैकेनिकल में आपने किया है तो एलिजिबल हो। क्या इसे गेट से लेने वाला है? नहीं है, गेट से नहीं ले रहा है, विदाउट गेट है। तो सर, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से ये सिलेक्शन लेने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों वैकेंसीज को अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये अपना अलग से एग्जाम लेने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी थ्रू है रिटन टेस्ट और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा, जो भी रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। 85 मार्क्स जो होंगे वो रिटन टेस्ट के होंगे और 15 मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटरव्यू के होंगे और इंटरव्यू में 1:5 के रेशियो पर बुलाया जाएगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पे आपको 30-40 वैकेंसी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो दोनों मिला के 50 वैकेंसी बन रही है। तो 50 वैकेंसी है तो 1:5 मतलब 250 बच्चों को ये बुलाने वाले हैं दोनों ब्रांच को मिला के। और सेंटर जो रहेगा वो दिल्ली एनसीआर में रहेगा, तो दिल्ली एनसीआर में आपका सेंटर रहेगा एग्जामिनेशन का। और उसके अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, jobapply.in, और इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, ये मैं PDF भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आपको ये सब डॉक्यूमेंट की नीड होगी। सर, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, कितना फॉर्म फीस रहेगा? तो फॉर्म फीस अगर आप देखोगे ओनली 150 रुपीज़ है और बाकी टैक्स है। SC ST वाले जो कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस नहीं है। प्रोजेक्ट इंजीनियर में भी आप देखोगे 400 के समथिंग आपकी फ़ीस आपको देखने को मिल रही है और भी इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर, इसमें जो सिलेबस वगैरह रहेगा क्या रहेगा? देखो, जब मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल वाला ही सिलेबस रहेगा। आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट है 25 फरवरी। 25 फरवरी से पहले पहले आप सबको अप्लाई करना है और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका मार्च में है। तो आप देख लो, मार्च के अंदर इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सब इसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। सर, ये परमानेंट जॉब तो है नहीं, तो क्या अप्लाई करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। देखो, आपको एक जॉब मिलेगा, इस प्रोजेक्ट पर आप काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसके
उसके बेसिस पे आप पैरेलली कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। दिल्ली एनसीआर में ही है, मतलब सिटी लोकेशन में आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप इसको क्लियर करके पैरेलली आप तैयारी भी करो और अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को भी निकाल लो। तो आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है, जैसे कई सारे बच्चे एमटेक में जाके तैयारी करते हैं, वैसे आप भी इसमें रिटन टेस्ट को फाइट करके कर सकते हो। विदाउट गेट है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं या जिनका मैकेनिकल में उन्होंने की है, गेट अच्छा नहीं हुआ है, तो उस केस में आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइज आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा। ऐसे में सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको सेम इस चैनल पर कवर करता हूँ, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई भी सिंगल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस नहीं होगी। और बच्चे मुझे जानते हैं इन्फॉर्मेशन किंग के नाम से, तो डेफिनेटली बच्चे जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों तक पहुँचानी है, जिससे किसी ना किसी का कैरियर तो बिल्ड हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन, किसी और अपडेट, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट में सब लोग इन्फॉर्मेशन किंग लिखेंगे और दिल बनाएंगे।